हमारे देश में आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग अपनी जान गंवा देते हैं, उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं होते हैं। लेकिन कोरोना के बाद से जिस तरीके ने सरकार ने रोड यातायात को लेकर के कई नियम लागू किए हैं, जिनमें हेलमेट पहनना और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, और जो लोग भी बिना हेलमेट और मास्क के दिखाई देंगे उन्हें चालान देना पड़ेगा, इसके डर से लोगों में जागरूकता आ गई है। या यूं अगर हम कह सकते हैं कि अब हमारा देश और साथ ही लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है। आज हम आपको रांची की सड़कों पे दिखाएंगे कि यहाँ के लोग रोड सेफ्टी को लेकर के कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं और कितना उनमें डर है अपनी सुरक्षा को लेकर के या चालान कटने को लेकर के, ये हम लोगों से जानेंगे। अगर जो लोग हेलमेट पहन के निकल रहे हैं, क्या वो इस डर से हेलमेट पहन के निकल रहे हैं कि उनका चालान कट जाएगा, या फिर सच में उन्हें अपनी जान की परवाह है? तो सबसे पहले हम कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे जो लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं सभी लोग हेलमेट पहने हैं। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, दो लोग हेलमेट पहने हुए हैं। इन तस्वीरों को देख करके हम बस इतना ही कहेंगे कि धीरे धीरे जो है हमारा देश बदल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये रांची के रातू रोड के पास का ये चौक है, और रातू रोड के चौक के पास पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैदी के साथ यहाँ पे खड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ से जो लोग भी बिना हेलमेट के निकलते हैं उन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और उनके चालान काटे जाते हैं। साथ ही उन्हें ये भी हिदायत दी जाती है कि वो जब भी नेक्स्ट टाइम से घर से बाहर निकले तो वो चालान हेलमेट पहन के निकले, साथ ही मास्क पहन करके निकले। तो लोगों में अवेयरनेस साफ तौर पर देखी जा सकती है। मैं चाहूँ कि सहयोगी से थोड़ा सा लोगों को दिखाएं, क्योंकि ये सब नज़ारे जो है वो काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। जैसे देखिए, दो दो हेलमेट जो है लोग पहन करके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता काफ़ी आ गई है। जैसे देखिए, यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों ही लोग हेलमेट पहन करके जा रहे हैं। अगर कोई अकेला व्यक्ति चला रहा है तो उसने भी हेलमेट पहन रखा है। अब ये जागरूकता पुलिस के डर से आई है या फिर सच में लोग जो है, भैया एक मिनट, हेलमेट पहने हुए हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं, तो क्या चालान कटने का डर है या सच में अपनी जान की चिंता है? सच में अपनी जान की चिंता है, जान की चिंता है। हाँ। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पुलिस प्रशासन खड़ी है और चालान काट देगी इस डर से? नहीं नहीं, अपनी जान की चिंता है। जागरूकता मतलब कूट कूट के आ चुकी है आप लोगों में। हाँ, क्यों नहीं, जागरूक नहीं रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? चलिए देखिए, तो यहाँ पे लोगों का साफ तौर पर यही कहना है, थैंक यू सो मच, कि इनके अंदर जागरूकता आ गई है, इन्हें अपनी जान की चिंता है, साथ ही रोड सेफ्टी को भी ये फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये हेलमेट भी लगाए हैं और साथ ही मास्क भी पहने हैं। सर, थोड़ा सा आपका रिएक्शन लेंगे। सर, अभी लोग जो है बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि लोग हेलमेट पहन के जा रहे हैं, मास्क पहने हैं, दो लोग भी अगर बैठे हैं तो दोनों लोग हेलमेट पहने हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये लोगों में सच में डर है कि रोड एक्सीडेंट में उनकी जान ना चली जाए, या आप लोगों का खौफ है? नहीं नहीं, उसमें उन लोगों में जागरूकता आया है कि हम जितना से जितना मास्क हेलमेट पहन के चलें ताकि हम सुरक्षित रहें और सुसज्जित रहें, इसके चलते उन्होंने बहुत जागरूकता आया है। जागरूकता आया, बहुत जागरूकता है। तो क्या लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं जो लोग बिना मास्क के या हेलमेट के मिल रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल, जो उसका पालन नहीं कर रहे हैं, उसका मास्क, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो हेलमेट नहीं पहने हैं, उनका चालान काटा जा रहा है, काटा जा रहा है। हाँ। तो चलिए सर, आप लोग कोरोना से ही, लॉकडाउन से ही यहाँ पे काफी समय से काम कर रहे हैं, कितना चुनौती रहा, पूर्ण रहा आप लोगों का ये समय जो भी आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं? हम लोग जो भी समय में रहे हैं चुनौतीपूर्ण काम किए हैं, और हम लोग का यही कार्य है, आविष्कार से डरना क्या है, इसे तो हमको लड़ना है। कई पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, तो उसके बाद से क्या कुछ खौफ आप लोगों को महसूस हुआ? नहीं, हम लोग को क्या खौफ होगा, जब वर्दी पहन लिए हैं तो हम लोग को क्या खौफ होगा, हमको तो जीवन इसी से जूझना है। चलिए, तो बिल्कुल साफ इन्होंने सही कहा कि इन्होंने जब वर्दी पहन लिया, जब इन्होंने संकल्प ले लिया कि इन्हें देश, राज्य और जनता की सेवा करना है, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्हें किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से रांची की सड़कों पर लोग जागरूकता की मिसाल कायम कर रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि लोगों में जागरूकता आ गई है। डबल सीट में जो लोग बैठे हैं वो दोनों ही लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही जो लोग सिंगल है वो भी हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में हम सिर्फ सिंपल यही कहेंगे कि हमारा देश बदल रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है। सहयोगी शशि के साथ रेखा मिश्रा, न्यूज़ टॉप इंडिया, रांची।